हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कुलदीप एंड यू आर वॉचिंग स्टडी सेंटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने अपनी पहली मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च कर लिया गया या सक्सेसफुली डेवलप कर लिया। यह मिलिट्री सैटेलाइट स्पेस एक्स के फाल्कन रॉकेट के द्वारा लॉन्च की गई है। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मिलिट्री सैटेलाइट ऑफ साउथ कोरिया। यह इकोनॉमिक टाइम्स का कटआउट है जिसमें लिखा हुआ है कि साउथ कोरिया फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च। सो ये साउथ कोरिया की फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट। इसके अलावा ऐसे 10 कंट्रीज और हैं जिनके पास खुद की मिलिट्री सैटेलाइट है। सो साउथ कोरिया उन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो गया है। सो आज के लेक्चर में हम बस बात करेंगे इसकी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द स्टडी सेंटर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। देन NSS-2। What is NSS-2? South Korea recently launched its first ever military satellite, जो कि defend करेगी उनको खुद को against the nuclear arm North Korea. Especially ये North Korea के लिए बनाई गई है जो nuclear attack कर सकता है South Korea पर। इस satellite को NSS-2 बोला गया। NSS-2 का मतलब Army Navy Air Force Satellite Information System है। So ये satellite साउथ कोरिया की आर्मी नेवी और एयरफोर्स के द्वारा यूज की जाएगी। देन NSS-2 ऑफ साउथ कोरिया वाज लॉन्च्ड फ्रॉम द केप कैनेवर एयरफोर्स स्टेशन इन फ्लोरिडा ऑफ यूएसए। यूएसए के एयरफोर्स स्टेशन से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया और विद द हेल्प ऑफ स्पेसएक्स रॉकेट फाल्कन 9। दिस सैटेलाइट इज एक्सपेक्ट टू रीच इट्स ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर इन 2 weeks एंड आफ्टर इट साउथ कोरियाज मिलिट्री विल टेक ओवर सिस्टम इन अक्टूबर आफ्टर टेस्टिंग। और टेस्टिंग होने के बाद अक्टूबर में साउथ कोरिया की मिलिट्री इसको टेक ओवर कर लेगी। NSS-2 मीन्स मतलब बताई दिए। तो देन इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी साउथ कोरिया के लिए? बिकॉज एक्चुअली द लॉन्च ऑफ NSS-2 हैज मेड साउथ कोरिया इन द लिस्ट ऑफ 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव इट्स ओन मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इससे पहले साउथ कोरिया के पास खुद की मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं थी। द सैटेलाइट विल हैव टू इंक्रीज साउथ कोरिया मिलिट्री इंडिपेंडेंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। जो इंडिपेंडेंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं साउथ कोरिया वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। बिकॉज साउथ कोरिया शेयर ए डीप सिक्योरिटी टाइज विद यूनाइटेड नेशन। ओवर 28,000 मोर ट्रूप्स हैव बीन स्टेशन इन द कंट्री। साउथ कोरिया और यूएसए के बीच काफ़ी डीप सिक्योरिटी अलाइज है। अगर कोई भी साउथ कोरिया पर अटैक करता है तो वो सीधे डायरेक्टली यूएसए पर अटैक करता है। सो यूएसए पर साउथ कोरिया की सिक्योरिटी का जिम्मा है। सो ये पूरा का पूरा सिक्योरिटी का जिम्मा अपनी दूसरी कंट्री के हाथ ना देने के लिए साउथ कोरिया अपनी खुद की मिलिट्री कैपेबिलिटी को डेवलप कर रहा है। देन इसमें इस लॉन्च में स्पेसएक्स का क्या रोल है? देन रोल ऑफ स्पेसएक्स द रॉकेट वाज लॉन्च बाय स्पेसएक्स ऑफ द यूएस, जो कि स्पेसएक्स का था और स्पेसएक्स यूएस की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जो एयरोस्पेस में काम करती है। दिस इज द यह उसका 12th लॉन्च है 2020 का। स्पेसएक्स कंफर्म द सैटेलाइट डिप्लॉय अबाउट द 30 मिनट्स आफ्टर द लिफ्ट ऑफ। आफ्टर द 30 मिनट्स उसने इस सैटेलाइट लॉन्च को कंफर्म किया। ये स्पेसएक्स का ट्वीट है जिसमें उसने वो कंफर्म कर दिया था कि फाल्कन 9 लॉन्चेस NSS-2 टू ऑर्बिट द सेकेंड फ्लाइट फॉर दिस बूस्टर विच लॉन्च्ड एस्ट्रो बैंकर एंड द अलग अदर्स। इस ओवरऑल इस ट्वीट में बताया गया कि कैसे स्पेसएक्स ने साउथ कोरिया की मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च किया। देन ये उसका उस सैटेलाइट का ओवरव्यू है। देन सो ये सैटेलाइट 70 मीटर की हाइट की है, डायमीटर 3.7 मीटर। ये इतना अपने एग्जाम के लिए बस एक ओवरव्यू रख लीजिए कैसा है। इसको पेलोड 22,000 तक पेलोड को ये कैरी कर सकती है और जियो GTO में ये 8,300 kg तक, देन मास तक ये 4,000 किलो तक का वेट कैरी कर सकती है। देन फाल्कन 9 रॉकेट, ये जो इस लॉन्च व्हीकल में जिस रॉकेट का यूज़ किया गया था, ये फाल्कन 9 रॉकेट का यूज़ किया गया था। फाल्कन 9 इज़ ए यूजेबल
टू स्टेज रॉकेट जो कि डिज़ाइन किया गया था स्पेस एक्स। ये एक टू स्टेज वाला रॉकेट है जो कि रीयूजेबल है, कि बाद में ये रीयूज हो सकता है फॉर द रिलायबल एंड सेफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल एंड पेलोड इनटू अर्थ ऑर्बिट एंड बियॉन्ड, ऐसा स्पेसएक्स दावा करती है। देन इस फाल्कन 9 इज द वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्बिटर क्लास विच इज रीयूजेबल रॉकेट है। सो देन आगे इसकी फाल्कन 9 की बात करते हैं, देन आगे इसकी डिटेल्स में देखते हैं डिटेल्स में ऐसा क्या है। सियोल जो कि साउथ कोरिया की कैपिटल है इज लुकिंग टू एनहेंस इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज एज इट प्रोसेस टू एंड एन अरेंजमेंट अंडर विच, साउथ कोरिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को और पुश करना चाहता है ताकि वो किसी और अंदर कंट्रीज पर डिपेंडेंट ना रहे। देन इफ बिकॉज अगर इफ वॉर ब्रेक आउट अमेरिका कमांडर विल हैव अथॉरिटी ओवर देयर कंबाइंड, बिकॉज अगर वॉर स्टार्ट होती है तो अमेरिकन कमांडर उनके ऊपर सारी अथॉरिटी हो जाएगी और उनकी कंबाइंड फोर्सेस पर सारी अथॉरिटी आ जाएगी। सो सैटेलाइट वाज एक्सपेक्ट टू इम्प्रूव द साउथ कोरियन मिलिट्रीज इंडिपेंडेंट ऑपरेशन कैपेबिलिटीज। सो इस सैटेलाइट लॉन्च से साउथ कोरिया की मिलिट्री इंडिपेंडेंट ऑपरेशन कैपेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज होगी, ऐसा साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल का कहना है। सो इसकी साउथ कोरिया को इसकी नीड कैसे जरूरत कैसे आन पड़ी। सो साउथ कोरिया देन यूएसए आर सिक्योरिटी एलाइज एंड यूएस स्टेशन मोर देन 28,000 ट्रूप्स इन द कंट्री बट देयर रिलेशनशिप हैज बीन स्ट्रेन इन द रिसेंट ईयर बिकॉज सम डिफरेंसेस लाइक अप्रोचेस ऑफ प्योंगयांग जो कि नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है, ये अप्रोचेस ऑफ प्योंगयांग जो कि नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है, देन ओवर कॉस्ट शेयरिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। एक्चुअली यूएसए ने कुछ टाइम पहले साउथ कोरिया की सिक्योरिटी के लिए कुछ जो पैसे चार्ज करती उनको उसको उस चार्ज को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, लगभग $1 बिलियन के आसपास चार्ज करना स्टार्ट कर दिया था। सो इसी ओवर को शेयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज के डिस्प्यूट्स की जो इनके रिलेशन में आने लगे स्ट्रेन, इसी वजह से साउथ कोरिया ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को और इंक्रीज किया। देन NSS-2 इज इंटेंडेड टू इनहेंस साउथ एबिलिटी टू डिफेंड इट्सेल्फ अगेंस्ट द न्यूक्लियर आर्म नॉर्थ कोरिया, जो नॉर्थ कोरिया जो न्यूक्लियर आर्म बन चुका है, इसके पास न्यूक्लियर वॉर हेड है, उससे अपने आप को डिफेंड करने के लिए साउथ कोरिया ने अपनी NSS-2 जिसे मिलिट्री सैटेलाइट उसको डेवलप किया। बिकॉज इन 1950 नॉर्थ कोरिया इन्वेडेड साउथ कोरिया। सो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए ये इस लॉन्च वीक सो NSS-2 को डेवलप किया। और जी इन 1950 में जो वॉर स्टार्ट हुई थी ये वॉर आज तक अभी भी कंटिन्यू है, ऑफिशियली ये वॉर अभी भी कंटिन्यू है। सो एलाइड ग्रुप ओनली 11 नेशन एंड कंट्रीज दैट इज विच इज USA फ्रांस चाइना UK इंडिया इजराइल नॉर्थ कोरिया ईरान देन यूरोपियन यूनियन जो कि 11 नेशन हैव इंडिपेंडेंटली लॉन्च ऑन देयर ओन इंडिजिनियस डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल। इन 11 कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी खुद की कैपेबिलिटीज हैं, जो अपना खुद का इंडिजिनियस डेवलप लॉन्च व्हीकल है, जो अपना सैटेलाइट खुद लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन साउथ कोरिया पर ऐसे कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है। सो अगर साउथ कोरिया को रेस में बना रहना चाहिए तो उसको इस टाइप की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज उसके जो नेबर है चाइना और स्पेशली नॉर्थ कोरिया, उनके पास ये टेक्नोलॉजी है। सो साउथ कोरिया को इस फील्ड में और अभी काम करना पड़ेगा। सो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय, थैंक यू।